दरअसल यूक्रेन से उठी तबाही की आशंका का कारण अमेरिका है और एशिया के सबसे बड़े वॉर फील्ड में चीन में सरगर्मी की वजह भी यही कंट्री है। बात चीन की करें तो सीपीसी की नेशनल कांग्रेस खत्म होने के बाद तय हो गया कि जिनपिंग ही सर्वशक्तिमान प्रेसिडेंट बने रहेंगे और जाहिर है ताकतवर जिनपिंग दुनिया पर अपनी धाक कायम करने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, अपने अधूरे मिशन को पूरा करेंगे जिसमें टॉप पर है ताइवान पर कब्जे का मिशन। लेकिन चीन के इस मिशन पर भी अमेरिका की ही नजर बनी हुई है और यही वजह है कि यूएस ने तैयारी शुरू भी कर दी है, जिसका सिग्नल गुआम बेस पहुंचा यूएस एयरफोर्स का B-1B बॉम्बर है। देखिए, अमेरिकी बॉम्बर की इस उड़ान से जाहिर हो गया है कि जिनपिंग की टेंशन खत्म होने के साथ ही अमेरिका की चिंता किस तरह आसमान छूने लगी है। वो वजह भी आज खत्म हो गई जिसके चलते चीन की सेना रेस्ट मोड में थी। सीपीसी के नेशनल कांग्रेस के अंत के साथ ही साबित हो गया कि चीन उसी राह पर आगे बढ़ेगा जिसे जिनपिंग ने तय किया है। सीपीसी के नेशनल कांग्रेस की वजह से ही जिनपिंग ने ताइवान पर अटैक का ऑर्डर टाल दिया था, लेकिन अब जिनपिंग का दिमाग शंकाओं से मुक्त हो चुका है। आगे क्या होने वाला है अमेरिका की इस तैयारी से अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिकी वायुसेना का B-1B बॉम्बर गुआम पहुंचा है। B-1B बॉम्बर परमाणु हमला करने में सक्षम है। B-1B 1.25 मैक की स्पीड से उड़ सकता है, बिना रिफ्यूलिंग दुनिया में कहीं भी जा सकता है। बॉम्बर 35,000 के हथियार के साथ उड़ सकता है। तेज रफ्तार की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं। गुआम से चीन की दूरी 5,000 किलोमीटर से भी कम है। गुआम से परमाणु हमले के लिए अमेरिका की कई सबमरीन यहां तैनात रहती हैं, लेकिन अब B-1B बॉम्बर की मौजूदगी से अमेरिका कुछ ही मिनटों में चीन पर भारी हमला करने में सक्षम हो गया है। मौजूदा दौर में चीन की सेना युद्ध का कोई संकेत नहीं दे रही, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट क्या मानते हैं इसका खुलासा नौसेना के एक टॉप अफसर के इंटरव्यू से हुआ है। अमेरिकी नौसेना के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि चीन इस साल के अंत तक ताइवान पर हमला कर सकता है। पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि चीन ने जो तय किया है वो उसे पूरा करता है। मैं इसे खारिज नहीं कर सकता कि वो अगला टारगेट 2023 में पूरा करने उतरेगा। अमेरिका को आज रात से ही चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी थी कि चीन ताइवान पर अनुमान से पहले कब्जा करना चाहता है। अमेरिका की सरकार और सेना दोनों ये मानकर चल रही है कि जिनपिंग ताइवान पर हमले का ऑर्डर देने में अब ज्यादा देर नहीं करेंगे। अमेरिका जानता है कि चीन की सेना ने ताइवान को घेर कर जिस तरह से युद्धाभ्यास किया, चीन की वायुसेना ने जिस तरह से कई बार ताइवान की रेकी की, जितनी तैयारियां हैं, जितने प्लान हैं, तैयार हैं। अगर वक्त लंबा खिंचा तो ये सब कुछ नए सिरे से करना होगा। जिनपिंग का इरादा क्या है ये सीपीसी के उद्घाटन भाषण में ही साफ हो गया था। जिनपिंग ने कहा था, ताइवान मुद्दे को हल करने के लिए चीन ताइवान पर बल प्रयोग के विकल्प को कभी नहीं छोड़ेगा। जिनपिंग का ये बयान सीधे तौर पर युद्ध की धमकी ही थी। सिर्फ ताइवान ही नहीं, जिनपिंग का ख्वाब चीन को सुपर पावर बनाने की है।
इसलिए जिनपिंग अब परमाणु हथियारों का जखीरा भी तैयार करेंगे। जिनपिंग ने इसका संकेत भी सीपीसी कांग्रेस में ही दिया है। जिनपिंग ने कहा था कि हम मजबूत रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता स्थापित करेंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक चीन ने अपने 14वीं पंचवर्षीय रिपोर्ट में पिछले साल एक हाई स्टैंडर्ड रणनीतिक बढ़त को हासिल करने की बात कही थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिनपिंग का इरादा सीधे तौर पर अमेरिका को टक्कर देना है। यही वजह है कि जिनपिंग परमाणु जखीरा बढ़ाना चाहता है ताकि चीन दुनिया की सुपर पावर को परमाणु शक्ति में पीछे छोड़ सके। चीन की पीएलए के पूर्व इंस्ट्रक्टर सांग झोंगपिंग ने कहा है कि जिनपिंग के बयान का मतलब एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का गठन करना है। अमेरिका ने फिलहाल गुआम और जापान में चीन से निपटने की तैयारियों को तेज किया है। अमेरिका सिर्फ युद्ध की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि जिनपिंग पर हथियारों की तैनाती से एक प्रेशर बनाने की कोशिश भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष।